Hey guys, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंपलीफायर कुकिंग। तो आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूं वो हमारे घर की सभी लेडीज के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अक्सर त्योहारों में होता ये है कि सारे घर की जो लेडीज होती है वो किचन में अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करना उनको पड़ जाता है, क्योंकि इतनी सारी मिठाइयाँ बनानी होती है, बहुत सारी चीजें बनानी होती है मेहमानों के लिए, घर के लोगों के लिए। तो इसीलिए आज एक रेसिपी लेके आई हूँ, मूंग दाल का हलवा रेडी मिक्स। मतलब जब भी हम इस रेडी मिक्स से बनाएंगे हलवा, सिर्फ 5 मिनट में आपकी प्लेट में सर्व हो जाएगा। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। चलिए चलते हैं, रेसिपी बनाते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल हलवा का रेडी मिक्स, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाएगा वो खुद भी। और अगर वो बना लिया आपने तो आप हलवा उससे सिर्फ गिन के 5 मिनट में बना सकते हैं। तो ऐसी कोई रेसिपी है जो वुमेन के लिए बहुत हेल्पफुल हो? जी हाँ, बिल्कुल है, मैं लेके आई हूँ ऐसी रेसिपी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेडी मिक्स बनाना। तो यहाँ पर एक बोल में मैंने ले ली है मूंग की जो येलो वाली दाल आती है वो। मूंग की जो ये दाल है ना, इसके ऊपर क्या होता है, पाउडर लगा होता है, इसे स्टोर करने के लिए, ख़राब नहीं हो इसलिए लगाया जाता है पाउडर। तो हम सबसे पहले उसे वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको वॉश करके दिखाती हूँ, हमें सेम तरीके से 2 बार वॉश करना है। और ये देखिए, आप क्लाउडी वाटर इसके अंदर देख पा रहे होंगे, तो इस तरीके का 2 बार पानी निकलेगा, वो पानी आप फेंक दीजिए और इसे इस तरीके के छलनी में ले लीजिए और सारा पानी इसका बिल्कुल छान लीजिए। और 10 मिनट में हो जाएगा, अच्छे से ड्राई हो जाएगी मूंग की दाल, कुछ सुखाना वगैरह नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, 3/4 कप के करीब मैंने लिया है चीनी, और चीनी को हमें एकदम पाउडर फॉर्म करना है। जब तक हम चीनी का पाउडर बनाएंगे आराम से हमारी जो दाल है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3/4 कप से थोड़ा सा कम घी। घी जो है ना, यहाँ पर आपको पूरा लेना है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब हम दाल को रोस्ट करेंगे ना, तो अगर कम घी में हम रोस्ट करेंगे ना तो अच्छे से रोस्ट नहीं हो पाएगी, लिटरली हमें फ्राई करना है। तो क्या करना है, हमें यहाँ पर इतना घी लेना है, और बाद में जो घी एक्स्ट्रा जब दाल सिक जाएगी तो हम उस घी को सेपरेट करेंगे, हम निकाल लेंगे उस घी को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वॉश की हुई दाल यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है इसमें, और लगभग 10 से 15 मिनट में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो घी आप इतनी क्वांटिटी में लेंगे ना तो जल्दी दाल आपकी सिक के रेडी हो जाएगी। तो मीडियम फ्लेम पे हमें सेकना है दाल, और 10 से 15 मिनट के अंदर ही दाल बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाती है। तो ये देखिए, बस इस तरीके से कंटिन्यूसली आप चलाते रहिए, छोड़िए बिल्कुल भी मत, क्योंकि चिपक सकती है नीचे से। तो अगर पॉसिबल हो तो नॉनस्टिक पैन ले लीजिए, और वैसे भी हम इसमें इतना घी ऐड कर ही रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कलर जो है चेंज हो चुका है, लगभग यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं दाल को रोस्ट होते हुए। और 7 से 8 मिनट के बाद में इस तरीके से, ये देखिए मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ इस पर, तो दाल का जो कलर है ना डार्क हो गया है थोड़ा सा, है ना, तो इस टाइप का हमें रखना है। तो अब क्या करेंगे हम, इससे थोड़ा सा डार्कर हमको चाहिए, बट हम अभी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दाल को हम उसी पैन में छोड़ देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। तो पैन जो है हमारा काफ़ी गर्म है, उस वजह से भी देखिए दाल का जो कलर है ना वो थोड़ा और ज़्यादा डार्क हो गया है। तो ये परफेक्ट, इसकी जो सिक्की है ना, ये एकदम परफेक्ट सिक्की है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेंगे मिक्सचर ग्राइंडर जार, और इस ग्राइंडर जार में हम ले लेंगे जो हमारी दाल सिकी हुई है वो। तो जो भी हमने एक्स्ट्रा घी, अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल लीजिए, अगर आप उसके साथ इसे ग्राइंड करना चाहते हैं तो आप साथ में ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आपने नॉर्मली दाल का हलवा बनाया होगा, मूंग दाल हलवा, तो आपको पता होगा कि मूंग दाल हलवे में घी बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैंने इसी स्टेज पे उसको सेकने के लिए ही मैंने घी का इस्तेमाल इसमें कर लिया है पूरी तरीके से। इसे हमें ग्राइंड करना है, इसे हमें दरदरा रखना है, बिल्कुल महीन नहीं पीसना है हमें इसे। तो जितना दरदरा रखेंगे ना तो जो हमारा हलवा है वो एकदम दानेदार बन के रेडी होगा, ठीक है। तो मैं हलवा कैसे बनाते हैं ना रेडी मिक्स से, वो भी आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, क्योंकि आधा नॉलेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो यहाँ पर हमारा जो शुगर पाउडर हमने करके रखा है वो हम इसी जार में ऐड कर देंगे। अब आप कहेंगे कि शुगर अलग क्यों पीसी है मैंने, तो अगर हम दोनों को साथ में पीसते ना तो होता ये कि कहीं दाल के दाने रह जाते या फिर दाल ज़्यादा बारीक हो जाती, इसलिए मैंने अलग अलग सेपरेट पीसा है। और अब हम सिर्फ एक बार घुमाएंगे मिक्सी को ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए यहाँ पर, तो सिर्फ एक बार मिक्सी को चलाना है, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, बस ज़्यादा मिक्स नहीं करना है क्योंकि बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे,
एक बोल में इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये जो दाल का जो मिक्सर है और उससे जो आप दाल का हलवा बनाएंगे ना, कोई कह नहीं सकता है कि आपने वो चाशनी वगैरह बना के और दाल को भिगो के उसको सेक के जो लंबा प्रोसेस है ना, वैसे दाल का हलवा नहीं बनाया, ये कोई भी नहीं बता पाएगा। बिल्कुल आप इस मेथड को फॉलो कीजिए, टाइम बचता है, मेहनत बचती है, आप कह सकते हैं कि आपका जो LPG गैस वो भी बचता है काफ़ी सारा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, हाफ कप के करीब मैंने ले ली है बादाम और इसको भी मैं अच्छे से पाउडर फॉर्म कर दूंगी। ये मैंने हलवे को थोड़ा सा रिच बनाने के लिए किया है, अगर आप चाहें तो ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। ये भी मैंने जो दाल का हमारा मिक्सर है, दाल और चीनी वाला, उसमें मिक्स कर लिया है, मैंने ऐड कर दिया है बादाम के पाउडर को। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ले लिया है इसको, और अब हम क्या करेंगे इसमें, ये देखिए, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, एक कप के करीब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर लिया है, और मिल्क पाउडर जो है ना ज़रूर से डालें, क्योंकि हम मूंग दाल के हलवे में क्या डालते हैं, मावा डालते हैं, तो हम मावा तो डाल नहीं पाएंगे क्योंकि वो प्रोसेस फिर लंबा हो जाएगा, वो 5 मिनट में हलवा नहीं बन पाएगा ना, इसलिए हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया है मिल्क पाउडर। तो वो मावे का भी काम करेगा, रिचनेस भी देगा हमारे हलवे को, और हमारा टाइम भी बचाएगा, सिंपल है ना। तो बस ये रेडी हो गया मिक्सचर हमारा, रेडी मिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ हलवा बनाना बता देती हूँ कि क्या करना है हलवा बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है पैन, तो सिंपली आपको त्योहार के दिन यही करना है, अगर रेडी मिक्स आपके पास रेडी है तो सिंपली आपको एक पैन में लेना है 4 से 5 छोटी चम्मच के करीब घी। घी जो है हल्का सा गर्म करना है, और उसके बाद ये देखिए मीडियम फ्लेम रखी है मैंने यहाँ पे, और घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 कप के करीब रेडी मिक्स जो हमने बना के रेडी रखा है। सिर्फ 1 कप का मेजरमेंट बता रही हूँ, 1 कप के मेजर में आप 2 सर्विंग्स हलवे के बना सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा गर्म करना है जो 5 मिनट के अंदर ही होने वाला है, ये ध्यान रखिए, आपको इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए गर्म करना है। मैं आपको बता रही हूँ रीज़न कि क्यों गर्म करना है। तो हम इसमें डालने वाले हैं गर्मा गर्म दूध, तो दूध और जो ये मिक्सचर है उन दोनों का टेम्परेचर जो है ना वो इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा हलवा जो है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। देखिए अभी यहाँ पर ठंडा है तो हम इसको थोड़ा सा और सेक लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, बस गर्म करना है, सेकना वेकना नहीं है, तो टाइम तो वैसे ही बच रहा है आपका। तो यहाँ पर इसको लगभग हो गए हैं 2 मिनट, तो 2 मिनट में ये अच्छे से गर्म हो जाएगा मीडियम फ्लेम पे। कंटिन्यूसली इसे हिलाना है, और अब हम क्या करेंगे, खौलता हुआ दूध लेंगे, दूध का मेजरमेंट रखना है आपको 1 कप। 1 कप अगर आपने मिक्सचर लिया है तो 1 कप ही आपको दूध लेना है, दूध गर्म होना चाहिए, एकदम ज़्यादा गर्म। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए लम्स तो वैसे ही नहीं पड़ने वाले, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गर्म है दूध और हमारा मिक्सचर भी गर्म है, तो लम्स वैसे ही नहीं पड़ने वाले। तो स्टार्टिंग में आपका जो हलवे का फॉर्म है वो इस कुछ इस तरीके से रेडी होगा, बस इसको आप कुछ 2 मिनट के लिए हिलाते रहिए मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट के बाद देखिए आप, ये इस तरीके का कुछ फॉर्म रेडी हो जाएगा, पैन छोड़ने लग जाएगा। इसमें मैंने चुटकी भर इलायची पाउडर डाल दिया है यहाँ पे, और पैन छोड़ने लग जाएगा, उसके बाद 1 मिनट आपको इसे बस मिक्स करना है बस। ये देखिए, और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ड्राई फ्रूट्स में आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ बादाम ली है और उसकी कतरन मैंने काटी है और वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये घूम रहा है, और जबकि पहले नहीं घूम रहा था, है ना। तो जब ये स्टेज पे आ जाए ना, तो समझ लीजिए कि हमारा हलवा जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, परफेक्ट टेक्स्चर है, हलवे का ऐसा ही टेक्स्चर अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और अब हम इसे सिंपली सर्व कर लेंगे। तो थोड़ा सा पैन गर्म है, तब तक हमें बस इसको इस तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि हमने बादाम लास्ट में डाली है ना, तो बादाम हल्की सी कुक हो जाए बस तब तक मिक्स करना है। ये देखिए कितना यम्मी, कितना डिलीशियस इसका जो टेक्स्चर आया, एकदम परफेक्ट दानेदार टेक्स्चर रेडी हुआ है, जैसा हम मेहनत करके घंटों बर्बाद करके हम जो हलवा बनाते हैं सेम टू सेम। और टेस्ट वो तो आपको बना के ही पता चलेगा, मैं तो अपनी कोशिश कर ही रही हूँ यहाँ से, मैं तो आपको बता ही रही हूँ कि टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
बट आप ज़रूर इसे एक बार बना के ट्राई करें, आपके कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर से शेयर करें। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर से बताएं, और क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं ना वो मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा मायने रखते हैं। ये देखिए मैंने रेडी मिक्स को इस तरीके से इसके साथ सर्व किया है और हलवा एकदम बन के रेडी है, बहुत ज़्यादा यमी बना। और आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कमेंट्स करने में कंजूसी ना करें। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल पे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ऐसे ही यूनिक रेसिपीज़ के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सैटरडे को, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।